Hello students, welcome to the class. I am Sangeeta, your science teacher from Takshila Model School. And today we will start chapter 3, Animal Life. And the topic we will be covering today is life of animals on land. Now open page number 38, वहाँ पर आप दो images देखोगे. एक image desert की है तो दूसरी image एक colder area की है. तो वहाँ पर आपको नाम लिखने हैं दो animals के ऐसे जो desert में मिलते हैं, दो animals ऐसे जो colder areas में पाए जाते हैं. अब जब आप animals के नाम लिखोगे desert वाले और colder areas वाले, then you will see के वो जो animals हैं वो अलग हैं. डेजर्ट वाले एनिमल हमें कोल्डर एरियाज में नहीं मिलेंगे और कोल्डर एरियाज वाले एनिमल हमें डेजर्ट में नहीं मिलेंगे. अब ऐसा क्यों है कि ये वाला जो एनिमल है वो कोल्डर एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, डेजर्ट वाला, और जो कोल्डर एरिया वाला एनिमल है उसको अगर हम ले जाके डेजर्ट में रख दें तो वो वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह पाएगा. ऐसा क्यों है यही हम अपने इस चैप्टर में एनिमल लाइफ में पढ़ेंगे और समझेंगे. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. नाउ वॉट डज हैबिटेट मीन? हैबिटेट का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उस प्लेस को, उसकी उस जगह को हम हैबिटेट बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लैंड पर है तो उसका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हो गया, उसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया. अब उसका हैबिटेट जो हो गया वो लैंड हो गया. अगर वो डेजर्ट में है तो उसका हैबिटेट डेजर्ट हो गया. अगर वो कोल्डर एरियाज में है तो उसका हैबिटेट कोल्डर एरिया हो गया. अगर वो फॉरेस्ट में पाया जाता है तो उसका हैबिटेट फॉरेस्ट हो गया. तो जिस भी जगह में जो एनिमल रहता है उसकी उस जगह को हम उसका हैबिटेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मंकी ट्रीज पर रहता है तो मंकी का हैबिटेट क्या है? ट्री. तो जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है, जैसे फिश पानी में रहती है तो फिश का हैबिटेट क्या है? वाटर है. तो जहां जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसकी उस जगह को वी कॉल हैबिटेट. नाउ सेकंड टर्म हियर इज एडेप्टेशन. नाउ व्हाट इज एडेप्टेशन? अब जो अभी आप दो इमेजेस में आप नाम फिल करोगे एनिमल्स के, तो आप देखोगे कि डेजर्ट वाले एनिमल अलग हैं, कोल्डर एरियाज वाले एनिमल अलग हैं, और वो एक दूसरे की जगह पर नहीं रह सकते. क्यों? जो डेजर्ट में एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को एडेप्ट करवाया हुआ है डेजर्ट के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और जो कोल्डर एरियाज वाले एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को एडेप्ट करवाया हुआ है कोल्डर एरियाज के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग. तो एडेप्टेशन क्या होती है? अपने आप को एडेप्ट करवाना. अपने आप को एडेप्ट करवाना इस तरह से कि वो जहाँ भी हैं, जिस तरह के एरिया में वो हैं, वो वहाँ पर जिंदा रह पाए, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाए. सर्वाइव का मतलब जिंदा रह पाना. तो व्हाट इज एडेप्टेशन? स्पेशल फीचर्स एन ऑर्गेनिज्म हैज टू सर्वाइव. सर्वाइव करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को जो भी उसका हैबिटेट है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरह के हैबिटेट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो जिस भी तरह के हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको वहां पर रहने के लिए कुछ फीचर्स डेवलप करने पड़ते हैं. आसपास के सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स और एनी ऑर्गेनिज्म हैज टू डेवलप सम स्पेशल फीचर्स ताकि वो इजीली वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस को झेल पाए. अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा जैसे डेजर्ट में, तो वहाँ के एनिमल्स के पास कुछ ऐसे चीज़ें होंगे, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे कि वो इतनी गर्मी में रह पा रहे हैं. अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, कोल्डर एरिया में कोई एनिमल है जैसे पोलर बियर है, पेंगुइन है, तो उनके पास इस तरह के फीचर है कि वो इतनी ठंड में भी जिंदा रह पा रहे हैं. तो इन फीचर्स की वजह से, जिनकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं, वो फीचर्स कहलाते हैं एडाप्ट. नाउ ओपन पेज नंबर 39 ऑफ योर साइंस बुक. अभी हमने देखा कि हैबिटेट क्या होता है, एक जगह जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है. अब हैबिटेट को हमने वैसे तो पांच कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, आर्बोरियल एंड एरियल, लेकिन हम यहाँ पर हैबिटेट अभी दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. पहला टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो लैंड वाला है, एक्वेटिक हैबिटेट जो पानी वाला है. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब है लैंड पे रहना. एक्वेटिक, एक्वा, एक्वा का मतलब क्या है? एक्वा का मतलब है वाटर. तो एक्वेटिक का मतलब क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट कौन सा है? वाटर वाला. अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की हम बात करें, ठीक है, हम जान गए कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब लैंड पे रहना, लैंड होता है इसका मतलब. अब लैंड की भी तो कई सारी फॉर्म्स होती हैं, हर जगह लैंड एक जैसा तो नहीं है. फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट है वो भी लैंड है, डेजर्ट है वो भी लैंड के अंदर आता है, पोलर एरिया जहाँ पर बर्फ रहती है, ठंडा जहाँ पर रहता है, तो
तो पोलर एरियाज भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ही आते हैं। तो एक तरह से हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को फर्दर इस इतने तरह के हैबिटेट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर एरियाज, माउंटेन्स और प्लेन्स, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, लैंड्स की फॉर्म हो जाती हैं। और ये सारे किसके अंदर आते हैं, टेरेस्ट्रियल के अंदर आते हैं। उसी तरह से आता है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक यानी कि वाटर। अब वाटर भी कई तरह के जो है वाटर फॉर्म से मिलता है, जैसे कि पॉन्ड वाला वाटर है, रिवर वाला वाटर है, लेक वाला वाटर है। तो ये सारे एक्वेटिक हैबिटेट है, चाहे वो पॉन्ड है, चाहे वो रिवर है, चाहे वो लेक है, चाहे वो ओशन है। तो वो ये सारे किसके अंदर आएंगे, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर ही आएंगे। जहां पर भी पानी है वो एक्वेटिक हैबिटेट है। जो भी लैंड है, चाहे फॉर्म कोई भी हो, वो क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। अब लैंड पर रहने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हैबिटेट लैंड वाला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और एनिमल्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर दोज विच लिव ऑन लैंड। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अभी हमने देखा काफी तरह का है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रास लैंड्स है, पोलर एरियाज है, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट के बारे में, जो कि फॉरेस्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो फॉरेस्ट जो होता है, जंगल, फॉरेस्ट में वेराइटी ऑफ ट्रीज आर फाउंड, वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। वेजिटेशन का मतलब होता है, वेजिटेशन में ट्रीज भी आ गए, श्रब्स भी आ गई, हर्ब्स भी आ गए। तो वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। हर तरह के एनिमल्स मिलेंगे वहां पर, हर तरह के वहां पे ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स वहां पे मिलेंगे। तो ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, वेराइटी ऑफ एनिमल्स वहां पर मिलते हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट में ट्रीज भी मिलते हैं, तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज पर रहते हैं उनको हम कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। तो आर्बोरियल एनिमल्स आर दोज विच लिव ऑन ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, मंकी हो गया, स्क्विरल हो गई। तो मंकीज और स्क्विरल जो कि कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं, उनको हम कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। सो इन फॉरेस्ट वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एज वेल एज वेराइटी ऑफ एनिमल इज फाउंड। कुछ एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मंकीज एंड स्क्विरल्स। कुछ जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर पर, यानी कि जमीन पे, यानी कि ग्राउंड पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, टाइगर्स, वो क्या करते हैं, वो लैंड पर एक तरह से जमीन पर वॉक करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट एनिमल्स हैं ये सारे। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो मिट्टी के नीचे, यानी कि ग्राउंड के नीचे बरोज वगैरह बना के रखते हैं, वहां पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड स्नेक। तो वेराइटी ऑफ एनिमल्स है फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में भी वो एक तरह से अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, कोई ट्रीज पर है, तो कोई अंडरग्राउंड है, तो कोई ग्राउंड पर वॉक करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों पे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड पे भी और वाटर में भी। ऐसे एनिमल्स को वी कॉल एम्फीबियंस। एम्फी जो वर्ड है उसका मतलब होता है बोथ, यानी कि बोथ का मतलब यहाँ पर दोनों, कौन सा है, क्या है, लैंड और वाटर, मतलब दोनों तरह का हैबिटेट वो जो है ऑक्यूपाई करते हैं। लैंड पे भी पाए जाएंगे और वो वाटर में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या है जो दोनों तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, लैंड पर भी मिलेंगे और वाटर में भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड स्नेक। अब फ्रॉग और स्नेक वो लैंड पर भी रह लेते हैं और वो वाटर पे भी रह लेते, वाटर के अंदर भी रह लेते हैं। तो एक तरह से वो दो तरह के हैबिटेट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जहां पर उनके हैबिटेट दो हैं, एक ना हो के दो हैबिटेट है, लैंड भी है, वाटर भी है, तो उनको हम कहते हैं एम्फी बीएंस। एम्फी यानी कि दोनों, बोथ लैंड वाला हैबिटेट भी और वाटर वाला हैबिटेट भी। ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस के नाम से बुलाया जाता है। बात करते हैं पोलर एरियाज की, पोलर रीजन की। पोलर जो एक तरह से पोल्स पे सिचुएटेड है अर्थ के, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, हमेशा बर्फ पाई जाती है। दे आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, बर्फ पाई जाती है। तो वहां पे किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं। अब जो पोलर रीजन है वो भी एक तरह का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही है, बर्फ भी मिलती है, लेकिन बर्फ कहाँ पर है, लैंड पर ही तो है। तो पोलर रीजन भी, पोलर एरियाज भी किसके अंदर आते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ही आते हैं। पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन्स। माउंटेन जो है, माउंटेन भी एक तरह से लैंड वाला ही हैबिटेट है। एक तरह से माउंटेन जो है वो लैंड की ही फॉर्म है, बस ऊपर की तरफ उठा हुआ लैंड है, तो है वो भी लैंड की ही फॉर्म। तो पोलर रीजन, हाई माउंटेन्स, ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही है। अब एनवायरमेंट यहाँ पर कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, इट इज वेरी कोल्ड आउट देयर। बहुत ठंड रहती है पोलर रीजन पे, हाई माउंटेन से बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है,
और वहां पर बर्फ पाई जाती है तो बहुत ज्यादा ठंड है। तो एनिमल्स वहां पे कौन से मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर वहां पर मिलता है, वॉलरस वहां पर पाई जाती है, पेंगुइन, सील। तो ये जो एनिमल्स हैं ये उनका एग्जाम्पल है जो पोलर रीजन में मिलेंगे, जो हाई माउंटेन्स पे पाए जाएंगे। जैसे कि पेंगुइन सील जो है ये एंटार्क्टिका वाले रीजन में पाई जाती है, जहां पर एक तरह से फ्रीजिंग कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। बात करते हैं नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लैंड की ही फॉर्म है, लैंड का ही हैबिटेट है ग्रासलैंड्स। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर बहुत तरह की ग्रासेस पाई जाती हैं उनको हम ग्रासलैंड्स के नाम से बुलाते हैं। ऐसे लैंड को जहाँ पर ग्रासेस ही ग्रासेस हैं वहां पर उनको हम ग्रासलैंड्स बुलाते हैं, ऐसे लैंड को। अब ग्रासलैंड्स में वैरायटी ऑफ ग्रासेस आर फाउंड ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट। अब वहां पर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं? ज़ेब्रा, जिराफ। तो ज़ेब्रा जिराफ जो है ग्रासलैंड्स में सबसे ज्यादा जो है पाए जाते हैं। तो ज़ेब्रा जिराफ का जो हैबिटेट हम कहेंगे लैंड है, लेकिन लैंड का कौन सा वाला हैबिटेट है? ग्रासलैंड्स। अब ज़ेब्रा जिराफ क्या करते हैं ग्रासलैंड्स में, क्योंकि ग्रासेस इतनी ज्यादा ऊंची नहीं होती है, तो उनको क्या करना है, वो एक तरह से अपने प्रेडेटर से बचने के लिए वो अपने आप को कैमोफ्लैज करते हैं। प्रेडेटर का मतलब एनिमी, जो शिकारी होता है उसको हम प्रेडेटर बुलाते हैं। अब ज़ेब्रा जिराफ क्या करते हैं, अपने आप को कैमोफ्लैज करते हैं। कैमोफ्लैज का मतलब अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। अब ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा मिलता है? जब ज़ेब्रा जिराफ या कोई भी एनिमल जो कैमोफ्लैज करता है, अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है अपने एनवायरमेंट, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, उसमें घुल मिल जाता है फिर वो, और इस तरह से उसका जो दुश्मन है, जो उसका एनिमी है, जो उसका प्रेडेटर है, जो उसको खाने के लिए आएगा, वो उसको लोकेट नहीं कर पाता उस एनिमल को, क्योंकि उसने अपने आप को कैमोफ्लैज कर लिया है, अपने सराउंडिंग्स में एक तरह से अपने रंग को मिला लिया है, प्रीडेटर नहीं देख पाएगा फिर उसको, और इस तरह से वो एनिमल फिर बच जाता है। मतलब एक तरह से ज़ेब्रा जिराफ कैमोफ्लैज करके अपने आप को, अपना कलर चेंज करके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एक तरह से, तो वो अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं। लेकिन ज़ेब्रा जिराफ जो कैमोफ्लैज करते हैं वो कैमोफ्लैज किस तरह से करते हैं? ज़ेब्रा के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट जो है स्ट्राइप्स होती हैं, तो एक तरह से उसका जो व्हाइट स्ट्राइप्स है वो एक तरह से सराउंडिंग्स में घुल मिल जाती है। जिराफ का जो कलर है वो अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड इन हो जाता है। तो इस तरह से इनका जो दुश्मन है, जो प्रेडेटर है, वो इनको अलग से लोकेट नहीं कर पाता, उस पूरी सराउंडिंग में इनको पहचान नहीं पाता कि भाई यहाँ पर जिराफ है, तो वो उसको खा नहीं पाता। और इस तरह से ज़ेब्रा जिराफ अपने आप को बचा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमलियन जो होता है गिरगिट, वो अपना कलर चेंज कर लेता है, तो ये कलर चेंज ना करके इनका जो नेचुरल बॉडी कलर है ये उसी को ब्लेंडिंग करते हैं सराउंडिंग्स के साथ, और फिर हम कहते हैं कि कैमोफ्लैज की वजह से इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, जो है डेजर्ट। डेजर्ट भी क्या है? एक तरह का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लैंड की ही फॉर्म है। अब डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? डेजर्ट ड्राई होता है क्योंकि पानी की कमी है वहां पर, हॉट होता है, बहुत गर्मी वहां पर होती है, और सॉइल वहां पर कैसा पाया जाता है? रेत पाया जाता है, सैंड पाया जाता है, तो सैंडी सॉइल वहां पर मिलता है। तो वहां पर जो एनिमल्स मिलते हैं वो वहां के अकॉर्डिंग जो है रहते हैं, वहां के अकॉर्डिंग उन्होंने फीचर्स डेवलप किए हुए हैं, एडाप्टेटिव फीचर्स उनके पास होते हैं, जो आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरह के एडाप्टेटिव फीचर्स इनके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल्स के पास किस तरह के फीचर होते हैं? तो एनिमल्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं वो है कैमल्स, स्नेक्स, रैट्स, स्क्विरल्स, फेरल फॉक्स एटसेट्रा। अब ये जो एनिमल्स हैं ये जो है रात में ही अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ये दिन में बाहर ना आके दिन में रेस्ट करते हैं, और रात में ही एक्टिव होते हैं, रात में ही बाहर आते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, फूड की सर्च में। सो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कितनी तरह के। सबसे पहले हमने देखा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, कोई ट्री पर है तो कोई ग्राउंड में, तो कोई अंडरग्राउंड है। फिर हमने देखा ग्रासलैंड्स, फॉर एग्जांपल ज़ेब्रा जिराफ जो कि ग्रासलैंड्स में पाया जाता है, जो कैमोफ्लैज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा पोलर रीजन और हाई माउंटेन्स पे किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं पोलर रीजन में, जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन्स, ये सब मिलते हैं। फिर हमने देखा डेजर्ट, डेजर्ट में जैसे कि कैमल वगैरह हमें मिलता है। तो ये हमने देखा कि कितने तरह के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं, सारे लैंड की ही फॉर्म, सारे लैंड वाले एनिमल्स हैं, लेकिन सारे एनिमल्स अलग अलग है, अलग अलग क्लाइमेट है सबका, हर एरिया का, हर रीजन का,
और अलग अलग तरह के एनिमल्स सब में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स मिलेंगे, हमारा तो चैप्टर का नाम है एनिमल लाइफ, तो एनिमल लाइफ फॉरेस्ट में अलग है, ग्रासलैंड्स में अलग है, पोलर रीजन में अलग है, डेजर्ट में अलग है, सारे जो रीजन है अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ अलग है, उनके फीचर्स अलग अलग हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ एनिमल्स इन वॉटर। सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।